दोस्तों इसी तरह टैक्स से जुड़ी वीडियो देखने के लिए नीचे आपको सब्सक्राइब बटन मिलेगा, उसे आप जरूर दबाएं और साइड में नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्निकल टीच यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि अगर आप अपने लाइफ फोन को चार्ज करते हैं तो चार्ज करते समय आप देखते होंगे दोस्तों आपका लाइफ फोन बहुत ही ज़्यादा हीट हो जाता है, यानी दोस्तों गर्म हो जाता है। तो मैं आपको कुछ टिप्स देने वाला हूं दोस्तों जिसके मदद से अगर आप लाइफ फोन को चार्ज करेंगे तो आपका लाइफ फोन काफ़ी ठंडा महसूस होगा। दोस्तों अगर आप उसे हाथ में लीजिएगा तो काफ़ी ठंड महसूस करिएगा, यानी आपका लाइफ फोन हीट नहीं होगा यानी गर्म नहीं होगा। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखते रहें दोस्तों, मैं इस टिप्स के बारे में चर्चा करने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक देखें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अक्सर आप देखते होंगे दोस्तों अगर आप लाइफ फ़ोन यूज करते होंगे तो उसे आप चार्ज करते होंगे तो देखते होंगे कि आपका लाइफ फ़ोन चार्ज होने के बाद गर्म हो जाता है। तो मैं आज उसका सॉल्यूशन बताने वाला हूं, तो वीडियो को देखते रहिएगा। तो पहले मैं आपको बताता हूं दोस्तों, अगर आप फ़ोन चार्ज करने वाले हैं तो सबसे पहले उसे स्विच ऑफ कर दें, फिर 5 मिनट के बाद उसे ओपन करें। अपने लाइफ फ़ोन को स्विच ऑफ कर दें, फिर उसे 5 मिनट के बाद ओपन कर लें और उसके बाद फ़ोन को चार्ज लगाइएगा आप। तो ध्यान रहे आपको जैसे चार्ज लगाइएगा तो आपको यहाँ पर अपने फ़ोन की जो ब्राइटनेस रहती है उसे आपको सबसे कम करके रखना है, यानी दोस्तों 0 लेवल के बराबर आपको करके रखना है। और सबसे ज़रूरी बात दोस्तों, यहाँ पर आपका जो कोई भी एप्लीकेशन ओपन नहीं रहना चाहिए आपके फ़ोन में, यहाँ से आप सिंपली मल्टीटास्किंग कर दीजिएगा सभी एप्लीकेशन का, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपको क्या करना होगा, आपके फ़ोन में इंटरनेट भी ओपन नहीं होना चाहिए, लेकिन दोस्तों कई लोग क्या करते हैं इंटरनेट ओपन ही रखते हैं दोस्तों, डाटा को ऑन ही रखते हैं और फ़ोन को चार्ज लगा देते हैं, लेकिन ये गलत काम है दोस्तों, ये आप ऐसा नहीं करें, नहीं तो आपका फ़ोन गर्म हो जाता है दोस्तों। बहुत ज़्यादा हीट होने की वजह से फ़ोन फट भी सकता है, इसलिए सिंपली आप सावधान रहें, इंटरनेट ओपन करके फ़ोन को चार्ज मत लगाइएगा, सिंपली आपको ऑफ करके रखना है इंटरनेट को और आपके मोबाइल में एप्लीकेशन जो रहता है दोस्तों उसे आपको ओपन करके नहीं रखना है, सिंपली उसको मल्टीटास्किंग कर देना है। उसके बाद आप चार्ज लगाइएगा। और एक बात और दोस्तों, अगर आप चार्ज लगा रहे हैं फ़ोन के तो कहीं गर्म जगह पर नहीं रख के चार्ज लगाइए, वहाँ का जो सेल्सियस बहुत ही कम रहना चाहिए दोस्तों, जो डिग्री सेल्सियस रहता है वो आप 20 से लगभग 30 डिग्री के सेल्सियस के बीच में ही फ़ोन को जो तापमान है दोस्तों उसके बीच ही जाकर रखें, जहाँ पर आपके कमरे का तापमान काफ़ी कम हो दोस्तों, ज़्यादा हीट नहीं हो, वहीं पर आप अपने फ़ोन को चार्ज लगाइए, ठंडे स्थान पर चार्ज लगाइए, बहुत ही बेहतर परिणाम आपको मिलेगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, ये सब आप रूल्स फॉलो करें दोस्तों आपका फ़ोन हीट नहीं होगा। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें दोस्तों, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ दोस्तों, इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, व्हाट्सअप फेसबुक बहुत सारे सोशल मीडिया पर इस वीडियो को शेयर कर दें। और मिलते हैं अगले फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।